नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट फर्स्ट को हमने क्लियर किया है और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट सेकंड आपके सामने पेश किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट सेकंड को देख रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें ताकि इन चीज़ों के बारे में जनरल नॉलेज या बेसिक चीज़ें के बारे में पता लगे। तो यहाँ पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं और एग्जांपल पे आपके साथ चलते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कहा राम एंड मोहन और प्ले। ऑप्शन आपके ये आएंगे प्ले या प्लेज और क्रिकेट और दिल्ली। अरे हमारे पास ये ऑप्शन आए और ऑप्शन के जरिए से वहाँ पर पार्ट बना दिए गए, वन पार्टीशन एंड टू पार्टीशन एंड थ्री पार्टीशन। और जो लास्ट वाला जो है वो लास्ट वाला जो रहेगा हमारे पास नो एरर, यानी कहने का मतलब लास्ट वाला हमारे पास नो एरर होगा। तो टोटल पार्ट जो बने दोस्तों वो ए और ये बना बी और ये बना सी और एक बना डी। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास चार ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3। आपको देखना है कि स्पोर्टिंग एरर से संबंधित क्वेश्चन है कि इनमें से किस पार्ट में एरर है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो पार्टीशन होगा वर्ब में ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन एक बार अपने आधार पे करें। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहा अ बॉय एंड अ गर्ल हैज या फिर हैव बीन सेलेक्टेड और इन SSC। क्लियर है? यहाँ पर मैं दोबारा से आपको पार्टीशन बना रहा हूँ, वन पार्टीशन एंड टू पार्टीशन थ्री पार्टीशन एंड नो एरर। यानी कुल मिलाकर हमारे पास ये डी है और दोस्तों ये सी है, ये है बी और ये है ए। आंसर ढूंढने की जल्द से जल्द कोशिश करें। नंबर तीन जो है मैं यहाँ पर कह रहा हूँ नो मैन एंड नो वीमैन वॉज यवर प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर भी हमारे पास तीन ही ऑप्शन हैं। एक तो यहाँ बना देता हूँ वन पार्टीशन एंड टू एंड थ्री और लास्ट में नो एरर। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ, नंबर चार, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। Has ya have been honored by the principal। इसी तरीके से आप मैं यहाँ भी पार्टीशन बना देता हूँ, इसमें है वन पार्टीशन, एक है टू पार्टीशन एंड एक है थ्री और लास्ट है नो एरर। ये हमारे पास डी, ये है सी दोस्तों, ये है बी और ये है ए। एक और क्वेश्चन अपने जल्दी से आंसर दें, नंबर फाइव का डिस्कस और कर लेता हूँ। मैंने कहा एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग। अब यहाँ पर भी पार्टीशन बना देता हूँ, पार्टीशन मैं आपके बना रहा हूँ टू पार्टीशन एंड थ्री पार्टीशन और कौन सा नो एरर। तो
तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर क्वेश्चन आपसे इस तरीके में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो पार्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चंस हैं, एंड से संबंधित सारे क्वेश्चन एंड से संबंधित हैं और इन चीज़ों का डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होना चाहिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर का मतलब अगर वन है तो सिंगुलर हुआ, अगर मोर देन वन हुआ तो प्लूरल हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोस्तों वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैंने कहा राम एंड मोहन, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहे हैं आपके, यानी किसी का भी व्यक्ति का अगर प्रॉपर नेम है तो ये भी प्रॉपर, और दोस्तों ये भी क्या है, प्रॉपर, ये भी प्रॉपर नाउन और ये भी प्रॉपर नाउन। तो एक तो राम हुआ और दोस्तों एक मोहन हुआ, और एंड का मतलब होता है प्लस, तो राम और मोहन टोटल दोस्तों कितने हुए, दो, तो वन या मोर देन वन, मोर देन वन, तो मोर देन वन है तो यहाँ पर प्ले और प्लेज जिस वर्ब के साथ एस या ई लग जाता है, जिस वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है वो सिंगुलर होती है, लेकिन बिना एस या ई एस की जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। लेकिन नाउन का अपोजिट काम है, अगर नाउन के साथ एस ई एस लगाओगे तो प्लूरल बन जाता है, विदाउट एस वो सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब के साथ एस ई एस लगते ही वो सिंगुलर और बिना एस के प्लूरल। तो दोस्तों ये जो वर्ब बनी प्लूरल बनी और ये क्या बनी, सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ प्लेज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, प्ले। दूसरा देखना, दूसरा अ बॉय, एक हुआ एंड अ गर्ल, तो एक और एक कितने हुए, दो हुए, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल आने चाहिए। आपको पता है तो दोस्तों प्लूरल है और हैज क्या है, सिंगुलर, तो हैज नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, हैव। यहाँ देखिए कहा गया कि नो मैन एंड नो वीमेन, अब काफ़ी स्टूडेंट भ्रमित होंगे, सर एक तो मैन और एक कौन सा, वीमेन, लेकिन यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कि नो मैन का मतलब कोई नहीं, एंड का मतलब प्लस, एंड नो वीमेन कोई नहीं, तो इसका मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो कितने हुए, जीरो और जीरो, जीरो, यानी जब कुछ है ही नहीं तो ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, तो ये दोस्तों वर्ण होकर क्या आना चाहिए, वोज। हालांकि रूल रेगुलेशन पे भी लेके चलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम चीजों को सही तरीके से करो। तो नो मैन एंड नो वीमेन, जब कोई है ही नहीं तो यहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहां देखना ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब यहां से रूल बन जाता है या फिर समझ बन जाती है, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच करता है, किसी भी सेंटेंस में जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच या एवरी करता है, तो ये जो हुआ करते हैं स्टेप वाइज, जैसे एवरी का मतलब है कि प्रत्येक, यानी एक वन बाय वन, यानी एक साथ तो कोई काम होगा नहीं, जब भी पहले ये खेलेगा, पहले बॉय खेलेगा, पहले बॉय कॉर्नर किया गया, यहाँ पर बात की जाए पहले टीचर जा रहे हैं फिर स्टूडेंट जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर एक कहानी और बनेगी, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ईच और एवरी जब भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर न कि प्लूरल। तो यहाँ पर है जाएगी, यहाँ एवरी आ रहा है तो एवरी आ रहा है, तो यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, इस दोबारा बात कर लेता हूँ, जब भी सेंटेंस में ईच हो या फिर एवरी हो, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत और ईच और एवरी से होगी तो 100% दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो ये अलग अलग हैं, यहाँ बॉय एंड है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं नो मैन एंड नो वीमेन, यहाँ पर लॉजिक बनता है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब यहाँ कहोगे सर बॉय भी है एंड गर्ल भी है, तो ईच का मतलब था वन बाई वन, कोई एक साथ काम नहीं होता, जब एक साथ काम नहीं होता तो यहाँ पर कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर। तो ये भी सिंगुलर कहा जाता है और दोस्तों ये भी सिंगुलर कहा जाता है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत ईच और एवरी करे, नोट करना इस बात को, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच और एवरी करे तो 100% वर्ब वहाँ सिंगुलर आएगी, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब आगे डिस्कस करते हैं। एंड से संबंधित एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जा रहा है आपके सामने, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है 6 नंबर, मैंने कहा अ डांसर
एंड सिंगर, एज और आर कमिंग हेयर, कमिंग हेयर। तो यहाँ से ऑप्शन मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, काफ़ी बार ऑप्शन भी आते हैं, पहला एक एज आ गया, दूसरा दोस्तों आर आ गया, तीसरा हमारा हैज आ गया और एक आ गया वर। क्लियर है? अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक बार बात को समझना। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अ डांसर एंड अ सिंगर, अ डांसर एंड अ सिंगर और कमिंग हेयर। यहाँ मेरे पास दो सेंटेंस है और इसी की ऑप्शन इसमें है और इसी की आप फिलअप करके देखो, देख के आना चाहिए आपके अनुसार क्या आना चाहिए। बात को समझना, क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अ डांसर एंड सिंगर, यहाँ और इसमें कोई अंतर है? अ डांसर एंड अ सिंगर, यहाँ पर ए आ रहा आर्टिकल लेकिन यहाँ भी आर्टिकल आ रहा है, यानी दोनों सेंटेंस एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस सिंगर से पहले ए है लेकिन यहाँ इस सिंगर से पहले ए नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता क्या एक व्यक्ति में दो क्वालिटी हो सकती है? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा डांसर भी है और सिंगर भी है, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। एग्जाम्पल के जरिए से मैं नेहा कक्कड़ जी के बारे में कहा जाए तो नेहा कक्कड़ एक सिंगर भी है और उनका डांस भी देखना, डांस भी वो अच्छा कर लेती है। तो यानी कुल मिलाकर सोनू निगम काफ़ी बार लहराते नज़र आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति या फिर और बहुत सारे हैं, बादशाह को लगा लीजिए आप, जो राजस्थान के कलाकार हैं बहुत सारे हैं जो अच्छा गा भी लेते हैं और अच्छा डांस भी कर लेते हैं। तो व्यक्ति तो एक ही हो, जिन व्यक्ति में क्वालिटी दो हो और व्यक्ति एक हो तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है। तो यानी एक ही व्यक्ति है, वो डांसर भी और क्या है, सिंगर। तो इससे क्या पता चलता है, यानी डांसर और सिंगर ये तो उसकी क्वालिटी हुई, लेकिन यहाँ दोस्तों व्यक्ति कितने हैं, एक। तो ये ध्यान रखना आर्टिकल से संबंधित, यहाँ पर व्यक्ति एक है लेकिन उस व्यक्ति में क्वालिटी दो है। तो यहाँ पर देखो, तो ये सिंगुलर हुआ, ध्यान रखना इस बात का, ये क्या हुआ, वन, ये वन हुआ। तो वन के साथ आर का तो कोई मतलब ही नहीं है, वर्क का या तो ईज आएगा या दोस्तों क्या आएगा, हैज। लेकिन इसमें एक वर्ब का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर कमिंग आ रही है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, और आईएनजी वाली फॉर्म के लिए हमेशा इज एम आर या वॉज वर्ब का यूज करते हैं, हैज का कोई यूज नहीं करते। दूसरे सेंटेंस पे आइए, दूसरे में कहा गया अ डांसर एंड अ सिंगर। अब देखिए ए का मतलब होता है वन एंड ए का मतलब, तो यहाँ पर टोटल कितने हुए, दो। अब यहाँ आर्टिकल आकर ये बता रहा है कि डांसर अलग है और सिंगर अलग है, यानी व्यक्ति कितने आएंगे, दो। तो इस अवस्था में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑप्शन और अलग से दे देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है एज और एक ऑप्शन है आर और दोस्तों एक ऑप्शन है वोज और एक ऑप्शन है हैव। क्लियर है? तो यहाँ व्यक्ति दो हुए, तो इज का और वोज का तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो आर आएगा या दोस्तों क्या आएगा, हैव। लेकिन वहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है तो आईएनजी वाली फॉर्म से पहले हैव का तो यूज होना नहीं चाहिए। लो आंसर क्या आ गया, आर। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, जब दो नाउन एंड से जुड़े, ये लेकिन कॉमन नाउन होने चाहिए, ध्यान रखना कॉमन नाउन, जिनसे पहले आर्टिकल का यूज किया जाए। जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े और उससे एक से पहले आर्टिकल हो, यानी डिस्कस किया जाए तो आर्टिकल कोई भी कॉमन नाउन एंड कॉमन नाउन ऐसा मिले, यानी जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े और एक से पहले आर्टिकल है, तो ध्यान रखना दोस्तों सिंगुलर वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ भी आर्टिकल ए एंड दे और यहाँ भी कॉमन नाउन एंड और यहाँ भी आर्टिकल और यहाँ भी कॉमन नाउन
कॉमन नाउन। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो वर्ब आएगी यहाँ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े और एक से पहले आर्टिकल आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर आर्टिकल दोनों से पहले आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। क्योंकि आर्टिकल दोनों जगह पर यूज होने का मतलब है अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज होना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लिख करती है। बात समझ में आ गई होगी, एक बार नोट करें और दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इससे संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैंने कहा द हेडमास्टर एंड इंग्लिश, या फिर मैं बात कर सकता हूँ द हेडमास्टर एंड द टीचर। द हेडमास्टर एंड द टीचर, चलो 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 एक बार टीचर ही करता हूँ, टीचर तो नहीं कर सकता, द टीचर ही करता हूँ। द टीचर वॉज और फिनिश्ड दिस वर्क, एक ऑप्शन तो ये हो गया। और ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर एक है हैज और एक ऑप्शन है हैव और एक ऑप्शन आपका वॉज और एक ऑप्शन आपका वर। देखिए आंसर, और नंबर 8 पे है, एक मैंने क्वेश्चन लिखा द फर्स्ट एंड बेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक और वेरी इजी। अब यहाँ भी ऑप्शन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऑप्शन में डिस्कस करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो है इज और एक है वोज, सॉरी एक है आर, एक है हैव और एक है वर। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, 9 नंबर, मैंने कहा द फर्स्ट एंड द बेस्ट चैप्टर और वेरी इजी। यहाँ ऑप्शन है आपके पास एम इज हैज और एक ऑप्शन है अपने पास आर। तो अपने आप पे एक बार आंसर निकालिए और क्या आंसर है क्या नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है द हेडमास्टर, यानी हेडमास्टर से पहले आर्टिकल द लगा है तो एक तो व्यक्ति ये हो गया, और एंड से जुड़ा, एंड का मतलब प्लस है, यहाँ टीचर से पहले भी क्या है द, हो सकता है कि वो टीचर भी है और हेडमास्टर भी है, दोनों भी, लेकिन यहाँ दोनों के लिए आर्टिकल अलग अलग है। जब आर्टिकल अलग अलग हैं तो ये बात शो हो जाती है कि व्यक्ति एक नहीं है, एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर वोज का और हैज का तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो दोस्तों आना चाहिए हैव या आना चाहिए वर, लेकिन फिनिश्ड जो है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म से पहले वर्ब का यूज ना करके किसका यूज किया जाए, हैव का। अब यहाँ कहा गया द फर्स्ट एंड बेस्ट चैप्टर, यहाँ पर भले ही एंड से जुड़ा है लेकिन दोनों से पहले एक आर्टिकल है, यानी इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इससे पहले आर्टिकल है। क्या तुम्हें लगता है कि पहला चैप्टर आपका बेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, वही एक ही चैप्टर है, वही आपका फर्स्ट है, वही आपका क्या है बेस्ट, किसी किताब में वही बेस्ट है, वही क्या है फर्स्ट, यानी एक ही चैप्टर है वही बेस्ट है वही क्या है फर्स्ट। तो यहाँ पर चैप्टर कितने हुए, एक। जब एक हुआ तो यहाँ पर आपको आर का, हैव का, वर का तो यूज करना ही नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। लेकिन अगर दोस्तों आपको दो चैप्टर अलग अलग बताने तो आप अलग अलग आर्टिकल यूज करो, द फर्स्ट एंड द बेस्ट, तो कितने चैप्टर हुए, दो।
फर्स्ट अलग है और बेस्ट अलग है. बेस्ट आपका कोई सा भी हो सकता है. द फर्स्ट एंड द बेस्ट यानी फर्स्ट अलग चैप्टर है और बेस्ट अलग यानी दोनों से पहले अलग अलग आर्टिकल लगकर ये और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चैप्टर एक नहीं है, मेरा फर्स्ट अलग है और मेरा बेस्ट अलग है. लेकिन इसमें यहाँ एक ही आर्टिकल लगकर ये साबित करना चाह रहा है कि जो बेस्ट है वही फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वही बेस्ट है. तो यहाँ सिंगुलर आएगा लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए, प्लूरल. अब देखो एम तो आ नहीं सकता, इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, आंसर क्या आना चाहिए, आर. नोट करें एक बार, स्क्रीनशॉट लें. तो ये एंड से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तो इन पे ध्यान दें किस तरीके के क्वेश्चन हैं, किस तरीके के नहीं हैं. नोट करें एक बार, शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ये एंड से संबंधित है. अब एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा मैनी. मैनी जो होता है इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन. क्योंकि मैनी जो होता है, मैनी का मतलब होता है मोर देन वन. मैनी का मतलब होता है मोर देन वन. ठीक है, जब प्लूरल नाउन है तो जाहिर सी बात है प्लूरल क्या आएगी, वर्ब. दूसरा हमारे पास एक हुआ करता है मैनी, मैनी के बाद ए और एन. ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब अगर समझाऊं आपको तो इसका मतलब होता है एवरी. इसका मतलब क्या होता है, एवरी यानी प्रत्येक. तो जब एवरी के साथ ए एन, जब एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर. तो जब मैनी के बाद ए और एन का यूज होता है तो नाउन भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आप इस चीज से ध्यान न हटाएं और ध्यान से पढ़ेंगे. अगर दोस्तों अकेला मैनी आ जाता है, क्या आ जाता है, मैनी, तो उसके बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा और प्लूरल क्या आएगी, वर्ब. मैं यहाँ से एक बार क्लियर कर देता हूँ, मैनी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन, या फिर इसको सेवरल बोल सकते हो, सेवरल. सेवरल का मतलब बहुत ज़्यादा. लेकिन दोस्तों जब भी मैनी के बाद ए और एन का डिस्कस किया जाता है तो ये जो होता है इसका मतलब एवरी से लिया जाता है, प्रत्येक से, या फिर इसको ईच बोल सकते हो. क्लियर है? तो यहाँ पर भले ही मैनी लग रहा है लेकिन मैनी ए और एन का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, एवरी. तो इसका मतलब ये सिंगुलर कहा जाता है और दोस्तों ये क्या कहा जाता है, प्लूरल. आइए एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं. यहाँ पहला मैंने लिखा मैनी बॉय या बॉयज. एक ऑप्शन इस तरीके से नाउन से पूछा जा सकता है, मैनी बॉय या बॉयज, और ऑप्शन है वोज या वर प्रेजेंट इन द क्लास. तो यहाँ पर मैंने दोस्तों कहा है, आपके सामने दो ऑप्शन क्रिएट भी कर दिए गए, दोनों तरीके से एरर भी पूछी जा सकती है. तो यहाँ दोस्तों मैंने लिखा मैनी बॉय या बॉयज. तो आपको पता है कि मैनी के बाद बॉय तो आना नहीं, क्या आना चाहिए, बॉयज. जब मैनी के बाद बॉय जाना चाहिए तो यहाँ पर वोज नहीं, क्या आना चाहिए, वर. एक क्वेश्चन और देखिए, मैंने लिखा मैनी ए बॉय या बॉयज हैज या हैव बीन सेलेक्टेड इन BSTC. क्लियर है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आना चाहिए. तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है मैनी के बाद क्या आ रहा है, ए. ए आ रहा है तो ए के साथ बॉयज तो नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, बॉय. जब मैनी शुरुआत करता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो दोस्तों सिंगुलर ही वर्ब आएगी, आंसर क्या आना चाहिए, हैज. एक क्वेश्चन मैं आपसे साथ और डिस्कस करना चाहूँगा, मैन वॉज या वर गैदरिंग देयर. तो यहां भी आप आंसर देखिए, पर क्या आना चाहिए, यहां पर दोस्तों क्या आ रहा है, मैनी. अब मैनी आ रहा है तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा. अब मैन में बार बार एरर दी जा रही है लेकिन स्टूडेंट जल्दी से कल्टी काट कर निकल जाता है, वेरी उस चीज़ को देखते नहीं.
यानी एक एक चीज को पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा रहा है तो मैंने कहा प्लूरल नाउन, तो ये जो होगा ये सिंगुलर है और आंसर क्या आना चाहिए मैन। अगर वर्ब से संबंधित क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा रहा तो यहाँ एरर कर दें, अगर यहाँ पर आना चाहिए क्या आना चाहिए वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट सेकंड है, ज़्यादा आपको उलझाएंगे नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। कल पार्ट थर्ड में हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो पार्ट हमने सीख लिए हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि इनके बिना, पार्ट फर्स्ट के बिना इसका थोड़ा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसकी जनरल बातें मैंने पार्ट फर्स्ट में बताई है, तो ये बातें आप करोगे और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर करोगे। तो यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, तो अपना स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पार्ट थर्ड में। जय हिंद, जय भारत।